134 নম্বর ওয়ার্ডের সমাজসেবী মোহাম্মদ জুবের ওয়াসিরের উদ্যোগে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। 3রা মার্চ ওয়েস্টবেঙ্গল মাদার টেরেজা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান পদে শপথ গ্রহণ করলেন সমাজসেবী মোহাম্মদ জুবের ওয়াসির। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদার টেরেজা ফাউন্ডেশনের উত্তরপ্রদেশ রাষ্ট্রীয় রাজমন্ত্রী মোহাম্মদ আরশাদ খান, মাদার টেরেজা ফাউন্ডেশনের রাষ্ট্রীয় মহাসচিব মোহাম্মদ আনোয়ার ফরিদি, ঝাড়খণ্ড মাদার টেরেজা ফাউন্ডেশন বিহারের মোহাম্মদ মমতাজ আলী ও মাদার টেরেজা ফাউন্ডেশনের মহাসচিব মোহাম্মদ দানিশ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তারা বলেন, মাদার টেরেজা ফাউন্ডেশন 10 বছর ধরে দেশে চলছে। মূলত সর্বধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে একতার সঙ্গে সব ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে, বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা পরিষেবাও করে থাকে। মহিলা থেকে শুরু করে শিশু সকলকেই সব ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয়। নাগরিকত্ব আইনের কোনো প্রয়োজন ছিল না, মাদার টেরেজা ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে এর জন্য প্রতিবাদ চলছে। তিনি আরও বলেন, 16 ডিসেম্বর লখনৌতে সিএ এর বিরুদ্ধে প্রথম বিক্ষোভ প্রতিবাদ শুরু হয়। এই আইনকানুন ইচ্ছে করে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, যার সূচনা অমিত শাহ কলকাতা থেকে শুরু করেছে। এছাড়াও তিনি বলেন, ধন্যবাদ জানাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, তিনি একমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষে সিএ এর বিরুদ্ধে সর্বস্ব শক্তি ক্ষমতা দিয়ে লড়ছেন। আমাদের সকলের বিশ্বাস 2021 বিধানসভা তৃণমূল সরকার গড়বে বলে জানালেন মাদার টেরেজা ফাউন্ডেশনের উত্তরপ্রদেশ রাষ্ট্রীয় রাজমন্ত্রী মোহাম্মদ আরশাদ খান। মোহাম্মদ জুবের সাহেব, জুবের ওয়ারসি সাহেব কে নাম পে তালি বাজা দিজিয়ে। ইয়ে ইহা রহতে হ্যায় কলকাতা মে ভি, বঙ্গাল মে ভি কাম করতে হ্যায় আর উত্তর প্রদেশ মে ভি বড়া কাম ইনহোনে কিয়া হ্যায়। অখিলেশ যাদব জি কে সাথ হাম লোগো কে সাথ চুনাও ভি লড়ে হ্যায় और एक अच्छा सामाजिक काम भी, राजनीति में भी अच्छी पहचान इनकी है और अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। और हिंदू मुस्लिम एकता पे भी ये काम वहाँ करते रहे हम लोग साथ में, और कलकत्ता में कारोबार भी करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सोशल काम भी करते हैं, पॉलिटिकल काम भी करते हैं। तो इनको मदर टेरेसा फाउंडेशन पश्चिम बंगाल का चेयरमैन बनाया गया है। आप लोग चाहें कि ताली बजाएं। मोहम्मद इकबाल मुन्ना साहब जो यहाँ से काउंसलर थे, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनसे मशवरा किया था एक बड़ा प्रोग्राम सर्वधर्म एकता का यहाँ मदर टेरेसा फाउंडेशन जरिए जिन्होंने प्रोग्राम बनाया था, मगर अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, इन सबकी खिदमत किया उन्होंने ज़िंदगी भर, और आप लोगों ने भी अपनी मोहब्बतों से हमेशा उन्हें नवाजा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मकाम अता करे। तो बहुत अफसोस हुआ जब इन्होंने ख़बर बताया कि जनाब मोहम्मद इकबाल मुन्ना साहब लोग बीच में नहीं रहे, तो बहुत ही अफसोस हुआ। लेकिन बहरहाल कुदरत का जो मंशा है, जो उसकी मर्ज़ी है, उसके सामने हमें आपको सर झुकाना ही है। अमेरिका से भारत आगे था, फ्रांस से आगे था, जर्मनी से। भारत की जीडीपी तरक्की की दर 27% थी। कितनी थी? 27%। लेकिन जवाल यहीं से शुरू हुआ, बंगाल से। पलासी की लड़ाई सन 1757 में नवाब हार गए। एक अमीर जाफर पैदा हुआ, एक अमीर चंद। एक अमीर जाफर की वजह से अंग्रेज़ों ने पलासी का किला जीत लिया, और फिर अंग्रेज़ों का काफिला कोलकाता को रोकते हुए, झांसी और लखनऊ को रोकते हुए दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गया। और 200 साल तक अंग्रेज़ों ने इस हमारे प्यारे खूबसूरत देश को लूटा दोनों हाथ से। के वक्त में ही इस प्रोग्राम की बात हो चुकी थी कि मदर टेरेसा फाउंडेशन का एक प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया जाएगा गार्डन इस मटिया ब्रिज में, और इसमें मदर टेरेसा फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक आली जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान साहब तशरीफ लाएंगे। ये बात पहले से भाईजान से तय थी और ये प्रोग्राम भी तय था, और ये प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर करने के लिए भाईजान की ख्वाहिश थी। मगर आज बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बड़ा ये प्रोग्राम होता, लेकिन चूंकि
उनका कोई काम रुकना नहीं चाहिए, उनका कॉल था। इसलिए प्रोग्राम हम लोगों ने कर लिया और आज मुनक्किद कर दिया, और मामूल के मुताबिक मदर टेरेसा फाउंडेशन के लोग, एक जो डेलीगेट कलकत्ता पहुंची 1 तारीख को, ये लोग 9 बजे रात को ही बाई प्लेन यूपी भवन में आकर के रुके, और यहाँ इन लोगों की कई जगह मीटिंगें थी। तो आज 3 तारीख को हमने 3 बजे का वक्त इन लोगों को दिया था, और इसी क्रम में ये मीटिंग बुलाई गई है। साथी, लखनऊ का बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है। वाजिद अली शाह को कैद करके यहीं रखा गया था। लखनऊ और मटिया बुर्ज में एक रिश्ता है, और हम लोग लखनऊ से चल करके आए हैं। एक ये भी रिश्ता है, और मदर टेरेसा वाकई में पूरे भारत देश में काम कर रही है। ये कमेटी, ये समिति, ये फाउंडेशन, और अरशद खान साहब के साथ रांची में भी, जो आज NPR NRC के लेकर के तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम लोग ने हाज़िरी दिया रांची में भी, बोकारो में भी, और गया वगैरह में 5-7 जगह, और मैं मुस्तफ़ाबाद में भी, शाहीन बाग में भी हम लोग की हाज़िरी रही। किसी उस्ताद शायर के 2 मिसरे नज़र कर रहा हूँ कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। इसमें जो है कि ममता दीदी की बड़ा अच्छा कारस्तानी रही, और हम लोग तमामी मदर टेरेसा फाउंडेशन के सदस्य और अहदेदारान बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं कि ममता दीदी ने मैदान में आकर के काम किया है। बहर कहे, 4 मिसरे और नज़र कर रहा हूँ। होता जो कभी ऐसा गांधी के देश में, होता जो कभी ऐसा गांधी के देश में, कर देते खुद को वक्फ मोहब्बत के वास्ते, उठता जो एक हाथ किसी बेगुनाह पर, 100 हाथ बढ़ते उसकी हिफाजत के वास्ते। लाए हैं पलक से तोड़ के सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो ये सारे लोग लाए हैं। फरिश्तों को देखा हमने जमीन पे उतरते देखा है, फरिश्तों को जमीन पे हमने उतरते देखा है। ऐ जालिम, हर हाथ में खंजर देखा है। ऐ हिंदुस्तान वालों, न बता मुझे, चूंकि हमने गुजरात का मंजर देखा है। शुक्रिया। तारीख बदलती रहती है, और तामीरें जो है वो इबरत के लिए होती हैं। जब इन लोगों ने, चाहे वो लाल किला दिल्ली के और बहुत सारे किले बनवाए गए, बंगाल में भी बहुत सारे मुर्शिदाबाद से ले कर पलासी से लेके बहुत सारे किले हैं मुस्लिम बादशाहों को बनवाए हुए, और ये तमाम तारीखी इमारतें बनी थी, तो बनवाने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी औलादें उससे अपना मालिकाना हक को देंगी। दिल्ली का लाल किला और सारे किला बनवाने वालों ने कभी नहीं सोचा था
कि उनकी औलादें उससे अपना मालिकाना हक खो देंगे, उनकी औलादों को आज दिल्ली में मारा भी जाएगा। उसी तरह से पलासी से लेके मुर्शिदाबाद से लेके मटियाबुर से लेके ये तमाम जो तारीखी इमारतें हैं, इमाम बाड़े हैं, इनके बनाने वालों ने भी नहीं सोचा था कि उनकी औलादें इसकी खूबसूरती और बनावट देखने आएंगी और इससे अपना मालिकाना हक खो देगी। तो हम जो लोग देखने आते हैं उनसे उनको पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। इसलिए इन इमारतों को उसी तरह आबाद करने के बारे में सोचे जिस तरह वो बनते वक्त आबाद थी। 10 साल से पूरे मुल्क में चल रही है और इससे मेन काम हम करते हैं, हम भाईचारे का प्रोग्राम करते हैं, सर्वधर्म एकता सम्मेलन। हम सारे लोग एक मज़हब के हैं, हमारा मज़हब अलग अलग है लेकिन मज़हब सबका पैगाम एक देता है। कोई मज़हब झूठ बोलना नहीं सिखाता, कोई मज़हब नफरत नहीं सिखाता, कोई मज़हब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर गिराना नहीं सिखाता, कोई मज़हब जान लेना नहीं सिखाता, कोई मज़हब दंगा नहीं कराना सिखाता। तो मज़हब जो है सारे लोग पैगाम एक है, भाषाओं का फ़र्क है। तो हम पैगाम देते हैं कि हम सारे लोग आदम और हव्वा की, एडम और यू की, मनी और सतरुपा की संतानें हैं, आपस में सगे भाई हैं, हमें अपने अपने मज़हब पर रहते हुए एक दूसरे के मज़हब की इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। एक पैगाम ये हम बराबर करते हैं 10 साल से मदर टेरेसा फाउंडेशन जरिए पूरे मुल्क में। दूसरा, हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, फ्री मेडिकल कैंप लगाकर जागरूकता भी पैदा करते हैं सेहत के लिए और लोगों का इलाज भी करते हैं। बच्चों की बीमारी कैंप, महिलाओं की बीमारी कैंप, डेंटल कैंप और तमाम कैंप, कैंसर जागरूकता कैंप। तो अभी देखिए, 5 साल पहले तक हिंदुस्तान में, शायद पूरी दुनिया में, माँ का पहला दूध बच्चा पैदा होने के बाद निकाल कर फेंक दिया जाता था, जो हमको आपको नहीं मिला है। अब 5 साल से क्या प्रचार हो रहा है कि पैदा होते ही 1 घंटे के अंदर माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध पिलाइए, वो अमृत है। अभी 1 महीने पहले यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान में हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, बिहार है, बंगाल के भी कुछ ट्राइबल इलाके हैं, मध्य प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के भी 2-4 ज़िले हैं, महाराष्ट्र के भी 4-6 ज़िले हैं, इस तरह के ज़िले हैं। तो उसके लिए भी हम लोग जागरूकता भी पैदा करते हैं, बच्चों की बीमारी कैंप लगाकर उनके इलाज का फ्री में इंतज़ाम करते हैं। अभी CA जो आया उसके ख़िलाफ़ भी मदर टेरेसा फाउंडेशन ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया और लखनऊ में पहला प्रोग्राम, हम लोगों ने परमिशन लेके 16 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम मदर टेरेसा फाउंडेशन के बैनर के तले किया, नागरिकता संशोधन कानून CAA के ख़िलाफ़। तो नागरिकता संशोधन कानून की इस मुल्क में कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इन 72 सालों में किसी भी मुसलमान आंदोलन ने ये आंदोलन नहीं चलाया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले मुसलमानों को नागरिकता दिया जाए। भारत सरकार के पास पहले से नागरिकता देने का कानून है, भारत सरकार ने जिसको चाहा नागरिकता दिया, जिसको चाहा नहीं दिया, लेकिन नागरिकता देने के लिए मुसलमानों ने कोई आंदोलन नहीं चलाया। उसी तरह इन 72 सालों में हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी भाइयों ने भी कोई आंदोलन नहीं चलाया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या दुनिया के किसी मुल्क से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी को भारत सरकार नागरिकता दे। भारत सरकार ने बाहर से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, दलित, आदिवासी को नागरिकता दिया, नहीं दिया, इस पर कोई आंदोलन नहीं चला और न उसकी ज़रूरत थी। भारत सरकार के पास कानून था, नागरिकता दे रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था। ये कानून जानबूझकर हिंदू मुसलमानों को बांटने के लिए लाया गया, लड़ाने के लिए लाया गया और दूरी पैदा करने के लिए लाया गया। और इसी कलकत्ता से अमित शाह जी ने इसके आंदोलन की शुरुआत की। कानून लागू करने से पहले, कलकत्ता से 6 महीने पहले अमित शाह जी ने भाषण दिया कि पहले CAB आएगा, फिर NPR आएगा, फिर NRC आएगा और हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको नागरिकता दे दी जाएगी और घुसपैठियों को 2024 से पहले निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी उन्होंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया कि मुसलमानों को नागरिकता दी जाएगी। क्यों भाई नहीं दिया? ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। जितना इस मुल्क पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाप का हक है, उतना ही हक ममता बनर्जी जी का, अखिलेश यादव का, तेजस्वी यादव का, नीतीश कुमार का और अरशद खान के बाप का भी हक है। सबका हक बराबर है, तो आपने क्यों नहीं बनाया? पहली बात तो बनाना ही चाहिए, बनाना था तो मुसलमानों को भी शामिल करना चाहिए। इसलिए इसके खिलाफ मदर टेरेसा फाउंडेशन भी लड़ रही है।
और हम धन्यवाद देने आए हैं कलकत्ता में ममता बनर्जी जी को, दीदी जी को, कि सबसे ज़्यादा मजबूती से भारत में इस CA के ख़िलाफ़ कोई लड़ाई लड़ा है तो उस नेता का नाम ममता बनर्जी है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2021 में फिर ममता बनर्जी जी की यहाँ पर सरकार बनेगी और वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री फिर बनेगी। और हम चाहते हैं कि ममता बनर्जी आगे भारत की प्रधानमंत्री भी बने, उस लायक हैं वो, क्योंकि उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन की भलाई काम किया, किसी में भेदभाव नहीं किया। अखिलेश यादव ने विरोध किया, जम के किया, और जो 23 लोगों को गोली मरवा दिया था योगी आदित्यनाथ ने, उनको 5-5 लाख रुपया अखिलेश यादव ने मुआवजा दे मदद दिया पार्टी फंड से, और ऐलान किया है कि जो लोग CAA के खिलाफ, NPR और NRC के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जिन पर मुकदमे कायम हुए हैं, अखिलेश यादव की सरकार 2 साल बाद आएगी इंशाल्लाह तो सबसे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और सभी आंदोलन चलाने वालों को उत्तर प्रदेश सरकार वो देगी, अखिलेश यादव की सरकार पेंशन देगी। मोहम्मद अरशद खान, पूर्व विधायक जौनपुर उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय संयोजक मदर टेरेसा फाउंडेशन, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी। अभी आपने सुना 12 फरवरी को दिल्ली से ही हेडक्वार्टर से मदर टेरेसा फाउंडेशन से हमको लेटर आ गया था कि आपको पूरे वेस्ट बंगाल का मदर टेरेसा फाउंडेशन का चेयरमैन बनाया जाता है और अरशद खान साहब से जो कि राष्ट्रीय संयोजक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, उनको तो हमने तस्लीम किया है, क्योंकि आज जो पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, आज ज़रूरत मदर टेरेसा फाउंडेशन का जो मिशन है उसको लागू करने का, और मदर टेरेसा फाउंडेशन का मिशन ही है सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी को कायम रखना, भाईचारे को कायम रखना, हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर चलना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ममता दीदी ने इस वेस्ट बंगाल के अंदर CA में कैसी है शेरनी CA जिन्होंने सेकुलरिज्म को कायम रखने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए सबको एक साथ लेकर चलने का काम किया है, और CA, NPR और NRC जैसे काले कानून का उन्होंने कड़ा विरोध किया। जुबैर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप भी इस फाउंडेशन से जुड़ गए और अभी जो नफरत का माहौल फैला हुआ है दिल्ली में, तो मदर टेरेसा फाउंडेशन जो है इस नफरत के माहौल को दूर करने के लिए क्या आने वाले दिनों में प्रोग्राम कर रही होंगे, क्या लाए अमली है? मदर टेरेसा फाउंडेशन बराबर ये संदेश दे रही है और हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों से भी मिलने का भी काम कर रही है मदर टेरेसा फाउंडेशन। जैसा कि आपने देखा होगा, शिवू सुरेन साहब से भी उन्होंने मिलने का काम किया, हमारे संयोजक जो हैं अरशद खान साहब, और जो दिल्ली में हो रहा है दिल्ली में भी मदर टेरेसा फाउंडेशन के लोगों ने संदेश देने का काम किया। वहाँ पर जो भाजपा की कूटनीति के कारण जो वहाँ दंगा हुआ, जो भाजपा के लीडरों द्वारा गलत नारेबाजी करने का असर आम जनता पर पड़ा, उसको साफ सुथरे माहौल में लाने के लिए, वहाँ की आम जनमानस को कायम और बहाल करने के लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन ने वहाँ भी जा करके लोगों को समझाने और बुझाने का और भाईचारा का संदेश देने का काम, और जो लोग जिनके घरों में आग लगा दी गई है, लोगों ने वहाँ असामाजिक तत्वों ने जो तोड़ फोड़ किया है वहाँ रिलीफ देने का भी काम हमारी मदर टेरेसा फाउंडेशन कर रही है, और हमें मदर टेरेसा फाउंडेशन ने जो बंगाल के लिए चुना है, चेयरमैन पद को दिया है, ये बहुत बड़ी पद है, ये बहुत बड़ा ओहदा है, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मदर टेरेसा फाउंडेशन का, और मैं ये कोशिश करूँगा कि पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर मदर टेरेसा फाउंडेशन का हर जगह ऑफिस कायम किया जाए और वहाँ से भाईचारे का संदेश दिया जाए, एकता का संदेश दिया जाए, सद्भावना को कायम रखने का संदेश दिया जाए, हिंदू और मुसलमान सभी को साथ लेकर चलने और अच्छी ज़िंदगी जीने की जो एक माहौल है उसको पैदा किया जाए, और आने वाले 2021 के चुनाव में जो कि असेंबली चुनाव होने जा रही है उसमें सेकुलरिज्म पार्टी और ममता बनर्जी डेमोक्रेटिक
माइंड की और सोच रखने वाली पार्टी टीएमसी पार्टी के साथ हम लोग मिलजुल कर इस कारवा को आगे बढ़ाने और मजबूत करने का काम करेंगे। और हम लोग यही चाहेंगे कि आने वाले 2021 के चुनाव में फिर दीदी मजबूती के साथ वेस्ट बंगाल के अंदर अपनी सरकार बनाएं और यहाँ की सेकुलर जनता को कायम रखने का काम करें। हमारा नाम जुबेर वारसी है, मदर टेरेसा फाउंडेशन वेस्ट बंगाल का चेयरमैन।